Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में ओमिक्रॉन के फैलाव ने हुकाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया। हुकाम का कहना है कि लोगों में वैक्सीन की फराहमी में तेजी लाना होगी। सूबे में हुकूमत की जानिब से पाबंदियां सख्त कर दी गईं। टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम सर्द रहेगा। आइंदा हफ्ते शहर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते के दौरान शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का सिलसिला जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 23,94,674 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 30,524 हो गईं। कजाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों पर हंगामों में हलाकतें 18, पुलिस अहलकार समेत 46 हो गईं। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सदर ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेकर काबीना बरतरफ कर दी थी। 3,000 से ज़ायद मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 30 करोड़ से तजावुज कर गई। भारत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3.5 करोड़ से तजावुज कर गई। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 8,55,000 से तजावुज कर गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में ओमिक्रॉन के फैलाव ने हुकाम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हुकाम का कहना है कि शहरी जल्द अज जल्द बूस्टर शॉट्स लगवाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में ओमिक्रॉन के फैलाव ने हुकाम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ओंटेरियो के टॉप के डॉक्टर का कहना है कि वो मौजूदा रफ्तार से किसी भी तरह से मुतमईन नहीं है, जिससे सूबे में कोविड-19 के बूस्टर शॉट्स दिए जा रहे हैं और वो वैक्सीन के इजरा में तेज़ी देखना चाहते हैं। डॉक्टर कैरन मॉर का कहना था कि ओंटेरियन हमेशा की तरह इस इंतहाई मुश्किल वक्त में इस वायरस के फैलाव को महदूद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी तीसरी खुराक लेने के लिए आगे आएंगे। मॉर ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तादाद में इजाफा करें। उनका कहना था कि मैं एक दिन में 1,80,000 वैक्सीन की डोज से खुश नहीं हूँ। मैं पसंद करूंगा कि आने वाले दिनों में ख़तरा बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन के ज़रिए तहफ़ुज़ फराहम किया जाए। फोर्ड हुकूमत ने कहा है कि बच्चे कम अज़ कम 17 जनवरी तक रिमोट लर्निंग जारी रखेंगे और सेहत आमा की दीगर पाबंदियां, जैसे कि ज़्यादातर कारोबारों पर सलाहियत की हदें कम अज़ कम 26 जनवरी तक बरकरार रहेंगी, जब तक कि सेहत के इंडिकेटर्स को तब्दील किया जाए। हुकूमत ने कहा है कि जुज़वी तौर पर पाबंदियों का मकसद मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू होने से पहले मज़ीद बूस्टर शॉट्स के लिए वक्त देना है। टोरंटो में इस वीकेंड पर शहर का मौसम सर्द रहेगा, जबकि शहर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। टोरंटो में इस वीकेंड पर शहर का मौसम सर्द रहेगा, जबकि शहर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहेगा। हफ्ते के रोज़ शहर का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो रात के औकात में -13 तक पहुंच जाएगा। इतवार के रोज़ शहर में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 2 और रात के औकात में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। आइंदा हफ्ते के दौरान शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है, जबकि शहर में बर्फबारी का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत पीर के रोज़ -14 तक पहुँच जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जुमेरात के रोज़ -2 रहेगा। ओंटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 8,28,032 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 23,94,674 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 30,524 हो गईं। मुल्क भर में 20,03,698 से ज़ायद मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद
सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 8,28,032 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 10,252 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 6,80,308 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,820 तक पहुँच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 384,126 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,333 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 2,70,508 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,427 है। कजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के ख़िलाफ़ होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक होने वालों की मजमू तादाद 46 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के ख़िलाफ़ होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाक होने वालों की मजमू तादाद 46 हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर 2 जनवरी से होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हुकूमत मुस्ताफी हो गई थी और सदर ने हंगामों से मुतासिर होने वाले 2 शहरों में एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। अलमाती और मैंगसो में एमरजेंसी के नफाज और रात के कर्फ्यू के बावजूद ताहाल हालात कशीदा हैं। इन शहरों में सदर कासिम जमारात तौकाइफ की हिदायत पर मुजाहरीन के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफा हुआ है। तहाल मजमू तौर पर 46 हलाकतें हो चुकी हैं, जिनमें 28 शहरी और 18 पुलिस अहलकार शामिल हैं, जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। 3,000 से ज्याद मुजाहरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। काजिक सदर कासिम अलमारूत ने हालात काबू में होने का दावा करते हुए कहा कि कानून और हुकूमती अहकाम को तोड़ने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिसमें अब तक 18 पुलिस अहलकार हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानब वजारत दाखिला की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में हलाक होने वाले 28 अफराद शहरी नहीं बल्कि दहशतगर्द थे। हुकूमत के मुस्ताफी होने के बावजूद कीमतों के खिलाफ अब भी एहतजाज करने वाले मुजाहरीन का कहना है कि सदर ने काबीना को चलता करके अपना अहदा बचाया है, जबकि मसाइल की असर जर वो खुद हैं। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 55 लाख के करीब पहुंच गई है। अमेरिका में कोरोना केसेस की मजमू तादाद 5,95,00,000 से बढ़ गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 2019 से शुरू होने वाले आलमी वबा का एक और ख़तरनाक वार, दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 30 करोड़ से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 55 लाख के करीब पहुँच गई है। अमेरिका में कोरोना केसेस की मजमू तादाद 5,95,00,000 से बढ़ गई। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमेरिका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 8,55,843 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 5,95,64,116 हो चुकी है। भारत में कोरोना केसेस की मजमू तादाद 3.5 करोड़ से ज्यादा हो गई। ब्राज़ील में केसेस की मजमू तादाद 2,23,00,000 तक हो गई है। बरतानिया में मजमू केसेस 1,40,00,000 हो गए, जबकि फ्रांस में 1,10,00,000 और रूस में 1 करोड़ से ज्यादा केसेस हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 83,231 तक जा पहुँची, जबकि केसेस 97,87,274 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 64वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,888 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 5,68,650 तक जा पहुंची है। दूसरी जानब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन को हल्का करार देने के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि ये दुनिया भर में लोगों को हलाक कर रहा है। WHO के सरबराह ने कहा कि लोगों की रिकॉर्ड तादाद ने सेहत के निजाम को शदीद दबाव में डाल दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा की सेहत की एजेंसी ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलमी वबा की तादाद में 71% और अमरीका में 100% इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन जो संगीन सूरत हाल तक पहुंच रहे हैं, उनमें से 90% ने वैक्सीन नहीं लगवाई। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।
डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।